ईशा, आपका लुक भी परवीन भाभी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं? लुक के लिए अलसे की इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे, मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वाज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत. उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए, और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया. आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था उन्हें, वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए था एक. मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन, परवीन बाबी, जीना तमान जो लेजेंड्स रहे हैं. लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने इम्बाइब की, वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर दो घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी. ये हम सब हैरान है. नहीं नहीं नहीं, मैं इसका आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाले, क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला खिला के. बट मिलन बाय द एंड ऑफ द फिल्म इट वाज एवरी 20 मिनट्स. नहीं नहीं नहीं, इफ आई कैन करेक्ट यू, प्रवीण भाभी भी यही करती थी, क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल, तो वो भी हर दो घंटे में खाते. उनके नेबर थे, मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन. तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक बोल हाथ में रहता है हर दो घंटे बाद. इसे कहते हैं आया था सेट पे, अभी यहाँ पे. हाँ, स्टेज अब पे अगर अगर आपने चार सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा. मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है, और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहाँ से भी मंगाना है मंगा लो. भूषण जी, आपसे सवाल है, दो गीत तो आ चुके हैं, तीसरे की भी तलाश होगी. यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का कोई खास कारण था, वजह था, जिसके बारे में आप थोड़ा बताएं? सॉरी, इस जगह पे इस लॉन्च को रखने का कोई कारण? सी, एक रेट्रो फील देने के लिए, जिस ज़माने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का, उसको एक पहचान देने के लिए, रूटीन में तो हम लोग सिनेमाज में करते ही हैं, तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया. और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन वन वीक आने वाला है, जिस कह दूँ तुम्हें, अगेन कीपिंग द 70s इन माइंड, तो हमने वो गाने को चूज़ किया. आप लोग देखना यार, इतना रेट्रो, इतनी महंगा किया है, इतना मेहनत किया है, क्या बात कर रहा है यार. हम लोगों ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए, लेकिन पता नहीं कि लास्ट नहीं, 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 रेट्रो है ना. हाँ. रेडियो, रेडियो. हेलो, मेरा सवाल मिलन सर से है. सर, अभी अजय सर ने कहा था कि 90s के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी. आपसे जानना चाहूंगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे, और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है. उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज़ होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं. कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है. आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था. तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी, एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा एक मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हट के फिल्म बनाई जाए, तो वो चीज़ को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो. दैट्स व्हाई वी पिक्ड अप दिस आइडिया एंड वी वर्क्ड ऑन इट फॉर अ वाइल, एंड हियर वी आर. हेलो अजय, हाय. So many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, or why did you do this, and we should listen to them because they really love you, and they really know what they want from you, so it should be considered always. Jane, next question.
Ajay sir, so one more question. Milan sir, we've been reading reports about the CBFC, you know, how stringent the CBFC has been getting, and there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? No, that's not true at all. I think this is complete conjecture, because as I said somewhere in an interview, that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into any. We really don't know where the story came from. We've really not made a porn film here. Ajay sir, ये सवाल आपसे और इमरान सर से हैं. पिछली बार जब आप लोग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक साथ आए थे तो केमिस्ट्री बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है. तो इस बार कुछ ऐसा खास सर और क्या ऐसे कुछ रीजंस जैसे आपकी जो दोनों के ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पर वो कमाल दिखती है. और एक सवाल ज़रूर रहूँगा सर, एलिना मैडम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, इसका भी रीज़न ज़रूर बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया. आप उस पर काम नहीं कर सकते, या तो होती है या नहीं होती है. एंड आई थिंक वी फाउंड अ सर्टेन मोमेंटम पहली फिल्म से इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एंड पीपल रियली लाइक द फिल्म. हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट थी ऑन स्क्रीन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, एंड द फिल्म डिड वेल. सो आई फील इज समथिंग वी डोंट रियली वर्क एट, इट्स समथिंग दैट जस्ट comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि डू वी एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स टू गेट दिस काइंड ऑफ वाइब ऑन द सेट. हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके लाइन सीख लेते हैं, एंड देन वी ट्राई टू गेट इट इन द फर्स्ट कपल ऑफ वन और टू टेक्स, एंड दैट्स अबाउट इट. या एंड आई ऑल्सो थिंक, क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, ही अंडरस्टैंड्स बोथ ऑफ अस वेरी वेल. तो सीन्स ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि यू नो केमिस्ट्री कैसे. बेसिकली आई थिंक कहानी वर्क करती है और कैरेक्टर्स वर्क करते हैं. अगर कैरेक्टर्स वर्क करें और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वर्क करती है तो, और आप बिना किसी इनहिबिशन के या बिना किसी इनसिक्योरिटी के करते हैं तो इट रियली वर्क्स. मिलन सर, एक सवाल है, क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर बनी है. कुछ हफ्ते पहले एक और फिल्म आई थी इंदू सरकार, वो भी इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर थी. फिल्म को CBFC के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं. सिमिलर जॉनर्स की फिल्में बनती रहती हैं, मेरे साथ भी हुआ है. मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो दैट इज अ पॉलिटिकल अप्रोच, दिस इज एन एक्शन एडवेंचर कंप्लीट कमर्शियल फिल्म जिसकी कोई रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आएगा. अजय सर, ओवर योर स्ट्रेट, यू नो दिस इज द फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 वेयर इन यू आर हैविंग टू रिलीजेस इन टू मंथ्स. देयर इज बादशाह इन सितंबर एंड गोलमाल इन अक्टूबर. सो एंड बोथ ऑफ देम आर टू डिफरेंट जॉनर. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट? डू यू थिंक टू रिलीजेस हैज एन इंपैक्ट ऑन बिजनेस इफ देयर आर बैक टू बैक? नो, यू आंसर्ड द क्वेश्चन. दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर्स, सो it does not really matter, and they're coming within a span of 1.5-2 months. But it's good that you know both the films are of two different genres, so you see two different I think kind of films, and I mean from me at least. And where the business is concerned, it's not in our hands, it's in the hands of the audiences. I think if the film works, everything works. Hi Ajay and Imran, you have been center. Yeah, so you have been involved in film since many years now. Does filmmaking and acting get better with time? Filmmaking and acting. I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से. सो ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. मेक्स इट आई थिंक फॉर मी एवरी फिल्म फील्स लाइक अ न्यू फिल्म. फॉर माय फर्स्ट फिल्म आई फील एज मच एज आई फील आई नो इन द इंडस्ट्री, एज मच एज आई फील आई हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग, आई एम स्टिल वेरी इग्नोरेंट. विद एवरी फिल्म द डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट. एवरी फिल्म कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ हर्डल्स एंड थिंग्स यू लर्न फ्रॉम.
So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on, you know, your toes with every film. So, you know, whenever I have a release, I'm a bag of nerves, and I've learned something from each and every film that I've done. Hi, yeah. Imran, this is Priyanka in the center. Hi. Hi. I can see you, yeah. Yeah, Imran, my question is that, you know, of late your films haven't done well at the box office. So how important is Badshaho for you, considering the fact that it's a, it appears to be a comfort zone for you, the setup is familiar with Ajay and Milin, and, you know, the Once Upon a Time worked for you? Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my film that, this is a film that I feel I've, obviously, we all have high hopes with this, like I've had with all my films. You know, there's the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you've got to keep striving, keep working. If you stop, if you start, you know, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So as, yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to do. So, yeah, I think it's a very... And also, for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work. एक दो क्वेश्चन और लेंगे सिर्फ दो मिलन माय क्वेश्चन आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन फॉर यू या सो हाउ मच वाज देयर एनी प्रेशर ऑन यू टू नॉट मेक ऑडियंस फील दैट दिस इज द सेम काइंड ऑफ फिल्म दैट वी आर वाचिंग व्हेन वी वॉच वंस अपॉन अ टाइम बिकॉज यू हैव बोथ द एक्टर्स इन रस्टिक अवतार्स आई डोंट थिंक आई हैव मेड द सेम जॉनर ट्वाइस आई मीन आई हैव रिकोशेट फ्रॉम अ गैंगस्टर फिल्म टू अ फिल्म अबाउट एन एक्ट्रेस Before that was a film set in 24 hours in Mumbai. There was a film about prisoners of war. So I myself don't like repeating myself. So the actors may be the same, but the genre, the characters, the whole pitching is so different. Everything changes. Imran, hi. Imran, slightly towards your right here. Milan ji. Aji, aji, boliye. Here. Can you see me, Imran? Imran, on a lighter note, you are the one who has the serial kisser tag. In the trailer, we only see a peekaboo of Ajay kissing. So, what about you? Is that a surprise package? Jealousy हो रही थी। इस फिल्म में नहीं कर रहा हूँ मैं यार। छुट्टी ली है मैंने इस फिल्म में। नहीं वही कह रहा है। यहाँ पे मेहनत कोई और कर रहा है। तो वही कह रहा है ना कि Ajay को देखकर कैसा? That is very strange. मैंने अभी इस फिल्म में सोच लिया कि मेहनत कोई और करेगा। एक साल के लिए वेकेशन ले लिया मैंने। But you know that is very strange because you also have a really sizzling number with Sunny Leon. So fans are expecting. But that's such an achievement. We don't have the kiss, but still it's so sizzling. So, यार डायरेक्टर से कितना लड़ना पड़ता है यार एक्चुअली इमरान का किस था फिल्म में लेकिन जिस दिन शूटिंग थी उस दिन ईशा को वायरल हो गया था तो अभी भी है हाउ इज इट वायरल शी हैड अ कोल्ड थ्रू आउट द फिल्म अजय बट इज दिस अ शिफ्ट इन द ट्रेंड बिकॉज इन द 90s वी नेवर सॉ एनी सुपरस्टार किसिंग ऑन स्क्रीन बट नाउडेज वी सी दैट इट्स रियली नॉट अ केस इट्स एन एक्सप्रेशन आई मीन इट्स नॉट शोन इन दैट मैनर एट ऑल Also, a question about Golmaal. Golmaal is clashing with Secret Superstar. Any concerns on that front? Can we talk about Badshaho right now? We're promoting Badshaho right now. Okay, last question, sir. Milan sir, आपसे मेरा सवाल है. आपके left में, straight. Emergency जो चुना है आपने subject ये कितना सिर्फ एक backdrop के रूप में है या फिर उस दौर की क्या चीजें political अगर बात करें तो emergency किस रूप से इस film से जुड़ी रहेगी? And अजय से मेरा सवाल है कि जो अभी सेंसर बोर्ड का जो रवैया है लगातार फिल्मों को कट्स को लगातार कट्स देने का और उस पर आपका क्या कहना है? I really don't know because जो फिल्में as a producer और हमने बनाई हैं और मैंने सेंसर करवाई हैं मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई तो I don't know कि क्या प्रॉब्लम है but I don't see a problem I think अगर आप उनसे rationalize करें तो I think सब कुछ समझा जाता है ये मेरा experience है क्या बात है अजय सर last सवाल last question कौन पूछ रहा है I think there's one question pending she asked me okay वो आपका मेरा जवाब ये है कि हमने एक dramatic moment चुना है हमारी country का जिसके
जिसमें से हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ एक माहौल है जिसमें ड्रामा अच्छी तरह से बैठता है, लेकिन एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द ट्रेलर, हमारी फिल्म लार्जर देन लाइफ है, एक्शन ड्रामा है, हाइस्ट ड्रामा है, सो वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ऑफ दैट इरा. वी हैव जस्ट टेकन इट एज अ बैकड्रॉप एंड वी हैव हैड फन विद आवर स्टोरी. क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन. अजय सर, लास्ट ईयर आज ही के दिन शिवाय का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, और क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता, आप बता रहे मुझे. इंदौर में हम लोगों ने किया था, जी जी, आप ही ने कंपेयर. इंदौर में हम लोगों ने किया था, याद है आपको? आज ही दिन कह रहे हैं तो सही होगा भाई, मीडिया वाले जो कहते हैं सब सही कहते हैं आप लोग, है ना. चलिए खैर, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं स्टेज में कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा. प्लीज कम ऑन द स्टेज. संगीता अहिर जी प्लीज स्टेज में आए, एंड को प्रोड्यूसर हुसैन शेख साहब कृपया मंच पर आए. फ्रॉम हंगामा नीरज रॉय, तीसरी से प्रिया गुप्ता, शिव चनाना, रजत अरोरा तो आ चुके हैं, क्या बात. एंड इस फिल्म की डीओपी, जो कि आपने इतना बढ़िया काम देखा, इतना बढ़िया ट्रेलर देखा, जी हाँ, सुनीता राडिया को बुलाऊंगा. प्लीज कम ऑन द स्टेज. सुनीता, वे सुनीता एंड वे शशांक प्रोडक्शन से, शशांक प्लीज कम ऑन द स्टेज. एंड मनोज मत्सिर गीतकार लिरिसिस्ट, अभी मैं कुछ समय के बारे में मनोज के बारे में बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि बहुत कम ऐसे लिरिसिस्ट आज मौजूद हैं हिंदुस्तान में जो इतना सटीक और कमाल लिखते हैं. एंड मुदस्सर खान कोरियोग्राफर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. प्लीज मंच पे आए, क्या आवाज. मैंने कहा कि फोटो वोटो हो जाए एक बार, मतलब जिंदगी भर के लिए याद तो रहेगा यार, अजय देवगन के साथ फोटो है मेरी. प्लीज थोड़ा सा पास आ जाइए, क्लोज हो जाइए प्लीज. हो गया, हो गया. थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. पर मैं क्या चाहता हूं, अरे सोलो 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 आर्टिस्ट एक्टर परफॉर्मर प्लीज. अजय सर सोलो सोलो कहेंगे आर्टिस्ट प्लीज, सोलो 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 हर आर्टिस्ट, एक एक आर्टिस्ट. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रेलर फिर से दिखाया जाएगा, तो जो लोग यहाँ मीडिया वाले जो लेट आए वो लोग प्लीज बैठ जाइए.
ओके गाइस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा था, मैं चाहूंगा प्लीज एक बार और ट्रेलर लगाया जाए।